उत्तराखंड की नौनी आज है उत्तराखंड की एस्ट्रोलॉजर के साथ। एक तरफ जहां महिलाएं एस्ट्रोलॉजी जैसे फील्ड में धीरे धीरे अपनी पैड बना रही हैं, ऐसे में पूनम चौहान जी उत्तराखंड में अपना अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं एस्ट्रोलॉजी में। साथ ही मैम कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी शौक रखती हैं। तो मैम उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू नलिनी, एंड मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम हैं मैम के प्लेस पे सहजारा रोड स्थित रेगे चिली रेस्टोरेंट पे, जिसकी नींव से लेके दीवार, बिल्डिंग और पूरा डिज़ाइन तक मैम ने किया है। मैम सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी के शौक या काम की तरफ ही आएंगे। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस पर मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लेकिन बनना उन्हें एस्ट्रोलॉजर है। तो मतलब आपके टाइम पे या आजकल के यूथ के टाइम में कितना चेंज आ चुका है एस्ट्रोलॉजी में? एक्चुअली नलिनी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जी, टोटली साइंस। तो उसमें कुछ जब पैतृक जब घर के अंदर ये पहले से चलता आ रहा था, पढ़ाई तो तब भी होती थी। कुछ बच्चे ज़रूर उसमें अध कचरे हैं जो पेरेंट्स को करते हुए देखा है, बातें सुनी हैं, ज्ञान उन्हें भी है। लेकिन अब बाकायदा हमारी गवर्नमेंट के ने इसके लिए कोर्सेज एंड डिग्री तक शुरू कर दी हैं। तो उसके साथ जो पढ़ के आए हुए लोग हैं, तो आप देखेंगे आज के टाइम पे भी बहुत अच्छी प्रिडिक्शन बहुत लोग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। एंड इसमें मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी पहचान है, हिंदुस्तान अपनी पुरानी पहचान को प्राप्त कर रहा है। मैम वास्तु दोष पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वास्तु का मतलब कितना इसमें सच्चाई है, क्या इसके पॉइंट्स हैं? देखिए वास्तु में सच्चाई तो ये है कि पॉजिटिविटी बनी रहती है जिसको जिस चीज़ से अच्छा लगता है। अगर आप देखें कुछ कुंडलियों को, जब से ये लाल किताब का भी चलन में आया, तो कुछ लोगों को पूजा पाठ मना कर होती है उसमें, स्पेशली जैसे राहु सेकेंड हाउस में अगर। लेकिन उसमें क्या रहता है कि वो पहले से पूजा पाठ करके एक पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा कर रहा है, तो बुराई तो कुछ भी नहीं है। तो वास्तु की भी ऐसी ही बात है, जब आपको ये पता चल जाता है कि इस आपके जीवन में दुख और सुख तो ज़रूर आते हैं, और जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है, तो आप उसको ब्लेम कर देते हैं। एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिव इंसान जो है, कभी भी किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं अपने ऊपर हावी होने देता, और वो अपनी हिम्मत और लगन से आगे बढ़ता है। तो इसमें वास्तु के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, अच्छी चीज़ है, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करिए, बुराई तो कुछ भी नहीं है। मैम एक ये जो सोशल स्टेटस बनता जा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कई वाइफ जो है वो ज्योतिषों के पास जाती हैं या वो यूट्यूब में पढ़ती हैं कैसे अपने हस्बैंड को रिझाएं, तो ये कितनी सच्चाई होती है इन सब चीज़ों में? देखिए सच्चाई तो हर किसी के जीवन की अलग है जी। अपने सच्चाई को जो वो जी रही है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर किसी लेडी को लग रहा है हस्बैंड भटक गया है, तो उसको वापस अपनी तरफ लाना। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी कुंडली से उसका इशारा मिलता है, पता चलता है कि आपके हस्बैंड ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वक्त के साथ में सॉल्व होनी हैं जीवन में, वो हो जाती हैं और नहीं भी होती हैं। तो ये तो इशारा एस्ट्रोलॉजी से मिलता है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जी जी जी, धैर्य रखें, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली अपनी समय समय पर दिखाएँ तो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। और मैम एस्ट्रोलॉजी को लेके ये एक सवाल है कि मतलब आजकल कई लोग बोलते हैं कि, आपने तो खैर एक बात कह दी कि साइंस से जुड़ती है, लेकिन कई लोग इसको बिल्कुल पृथक लेते हैं कि ऐसा है ही नहीं, साइंस ही सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो ये मतलब क्या बात, ऐसी बातें क्यों उठती है टाइम टू टाइम? एक लाइन में कहूँगी, इसके लिए भी उनका ग्रह और उनकी हिम्मत जिम्मेदार होती है। जिनके अंदर बहुत हिम्मत है, अपने कर्म पर बहुत भरोसा है, तो वो लोग ऐसे वर्ड्स बोल पाते हैं, क्योंकि वो अपने मेहनत के बूते पे इतना आगे बढ़ चुके होते हैं, उन्होंने कभी किसी को कुंडली नहीं दिखाई होती है, तो वो लोग बिल्कुल फिर क्यों किसी के चक्कर में पड़ेंगे। इस बात में मतलब आप यकीन करिएगा कि वो लोग ऑलरेडी इतने हिम्मती लोग ही ऐसा बोल पाते हैं, उन्हें अपने कर्म पे अपनी हिम्मत पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और उसमें बुराई नहीं है। क्या बात है, कर्म पे और हिम्मत पे कॉन्फिडेंस है तो इंसान कुछ भी कर लेता है। मैम आप मतलब ये तो मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी आई जानने की कि मतलब आप सुख संपन्न थी, सब साधन थे, और फिर भी आपने धूप पे खड़े होके इसकी एक एक ईंट, ये मतलब बाय बर्थ है या क्या शौक है ये? एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था कि ये शौक कहाँ दबा पड़ा था।
एंड जब हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए थे बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, देहरादून एजुकेशन का हब माना जाता है, उस टाइम पे हम एक किराए के घर में रहे थे एंड बहुत सुंदर घर वो था। तो हम भी एक अच्छे संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं जो टिपिकली एक हवेली में हम लोग रहते थे, लेकिन जो फिल्मों में एंड टीवी में घर दिखा करते थे वो एक छोटा सा क्यूट से घर में हम किराएदार बन के आए थे। तो तब हमारा बहुत मन था कि भाई, तब मैंने जाना कि हाँ आम आदमी का भी घर ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह से जो था मेरे अंदर ये एक चाह जगी एंड उन्होंने भी अपने हाथ से अपना घर इसी तरह से बड़े शौक से बनाया था, श्रीवास्तव जी केवल विहार में रहते। तो फिर मैंने सोच रखा था कि जब मेरा घर बनेगा तो मैं इसी तरह से इंटरेस्ट लेते हुए उस घर को सुंदर बनाऊंगी जो अक्सर फिल्मों में सीरियल्स में दिखता है। तो वो भी मैंने किया। घर जब बना, सबको हायर करने के बाद भी उसमें लेबर को टोटल कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें, बड़े शौक से घर को बनाया। अब घर के बाद में फिर बेटा मेरा भाई जब इसको हमारा एक मन करा खोलने के लिए, तो तब मैंने इसमें भी बकायदा आर्किटेक्ट सब थे बट अपने एक अपने को मैं इतने अच्छे से पहचानती हूँ कि मुझे चाहिए क्या। तो एक इंडस्ट्रियल एंड रस्टिक थीम को मिक्स करके मैंने ये रेस्टोरेंट का इंटीरियर पे फोकस किया, जिसमें मैं भी मेरे साथ काम करने वाले जो आर्किटेक्ट वगैरह हैं उनको ज़रूर बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मेरे को पता रहता है बेहतर से कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैं मेरे को ये पता है कि वो लोग काम करके चले जाएंगे बट क्या है, मेरे को हमेशा इस जगह को फील करना है, देखना है। तो इस तरह से करके करा एंड मैं उसमें कभी भी अगर कोई चीज़ मेरी वेस्ट हो रही है एंड वहाँ पे मेरे साथ में कोई स्टाफ नहीं है, तो एक ये भी मेरे को आगे लेकर के गई मेरी ये आदत कि मैं अपने हाथ से अपने सामान को बचाने के लिए झुक जाती हूँ, उठाती हूँ, चाहे वो एक ईंट है या सीमेंट का कट्टा है। स्टाफ दौड़ता है, मैडम आप ये क्यों कर रही हैं, बट मुझे महसूस होता है किसी का इंतज़ार करूँगी तो तब तक तो नुकसान हो जाएगा। मैम सिर्फ सीमेंट के कट्टे ही नहीं, आप लेबर्स को गाड़ी में लेके खुद ही भर भर के छोड़ती थी तो तब लोग क्या बोलते थे? और लोग तो नो डाउट मेरे इस हिम्मत को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब घर बन रहा था एंड हस्बैंड साथ होते थे और जब मैं चलती थी तो मेरा एक जो कनेक्शन बनता था लेबर से, जब मैं जाती थी तो सबके लिए भर के फ्रूट्स लेके जाती थी लेबर के लिए, एंड जब चाय मुझे कोई पिलाता था, एक ठेकेदार का नंबर है वो पिलाएगा, देन फर्श वाला है, बिजली वाला है, तो सब में ये होड़ रहती थी कि मैडम को आज हमारी चाय मिलेगी। मैं स्टाफ के साथ बैठ करके लेबर के साथ चाय पीती थी, उनको फ्रूट्स एंड चलो भाई समोसे लेकर के आओ, आज मिठाई लेके आओ या रसगुल्ले साथ लेकर के गई हूँ। तो फिर मैं उसको बाद में, क्योंकि मुझे उस लेबर के चाय का खर्चा भी महसूस होता था, देन पूरी पार्टी चलती थी। एक वक्त जब आप मकान बनाती हैं तो कम से कम 4 ठेकेदार लगते हैं, बिजली का, कंस्ट्रक्शन का, प्लम्बर है, तो वो लेबर बहुत सारी होती है, तो उसका खर्चा बहुत पड़ता है। अकेली मैडम को चाय नहीं पिलानी है, उसने सबको चाय पिलानी है, तो एक पार्टी वाला माहौल रहता था। तो उस चीज़ को एंजॉय करती थी चलते हुए, फिर मैं उनको इनाम देती थी, उस चाय की कीमत देती थी जो मेरे वजह से सबने सबको उसने पिलाया। तो वो मैं बहुत हंसते खेलते, मेरे लिए मतलब वो टाइम गुजरा। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कंस्ट्रक्शन करना मुझे एक पेंटिंग बनाने जैसा लगता है, उस सपने को एक कैनवास पे उतारना, क्योंकि एक कलाकार जो होता है पेंटर वो भी सोचे हुए होता है कि ये मैं ऐसे बनाऊँगा। तो मेरे भी वो सपना मेरी आँखों में पलता रहता है कि ये जो जगह है इस पे यहाँ मुझे ये बनाना है, यहाँ ये बनाना है। तो उसको जब मैं पूरा करती हूँ तो टिपिकली मेरे को इतना एक पेंटिंग जैसा महसूस होता है, रियली मेरा पैशन है वो। क्या बात है मैम, मैम को पेंटिंग जैसा एहसास होता है। और जहाँ लोग मतलब लेबर्स काम कर रहे हैं तो शायद उन्हें एक कप चाय पूछने में भी उन्हें आफत आ जाती है, वहाँ उनके बीच में बैठ के उन्हें चाय पिला रही हैं, उनके साथ खा रही हैं, उनके साथ कट्टे उठा रही हैं, गजब की पर्सनैलिटी हैं। तो ये अजब गजब तरीके की चीज़ लोग सुन के शायद बहुत ही खुश होंगे। मैम लॉकडाउन जैसे विपरीत हालात में भी आपने इस रेस्टोरेंट को चलाया, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट? इसमें नलिनी हमें दिक्कत इस तरह की आई कि सब लोग स्टाफ अपने घर पे जा चुके थे और जब खुला तो उनको बुलाना पड़ा, तो हमने लिमिटेड स्टाफ को बुलाया।
हमें भी नहीं पता था कि भाई कैसे चलेगा आगे ये एंड क्या रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैरिजेस तक हुई हैं लॉकडाउन के बाद में। जो नया कंसेप्ट एंड एक नया ट्रेंड मैंने देखा कि लोगों ने इतना हंसी खुशी यहाँ पे मैरिजेस करी एंड बिल्कुल ऐसा फील होने लगा ये एक बैंकेट हो चुका है। तो छोटी मैरिजेस के लिए वैसे भी हमारी जो स्ट्रेंथ 150 से 200 लोगों की है, तो बहुत एंजॉय करते हुए इन लोगों ने अपने जो मतलब प्रोग्राम थे बड़े सुंदर से मैनेज किया। तो मैं कहूँगी कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, धीरे धीरे पटरी पे आ रही है गाड़ी, ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं है। मैम इस रेस्टोरेंट को चलाने के अलावा, जैसा कि आप एक समाज सेविका हैं शहर में, आपका अच्छा नाम है, तो क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? और हाँ, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को गुप्त रहते हुए करा जाए तो बेटर रहता है। जो मैं अब तक करती आई हूँ, बच्चों की हेल्प करना एजुकेशन में, वो मेरा पैशन है। मैं कहती हूँ बच्चों को कि मैंने ये शुरू करा था साल में एक बच्चे की बुक्स यूनिफॉर्म इन चीज़ों का, एंड फीस भी है तो वो भी। तो धीरे धीरे पता चलने लगा एंड बच्चे आने भी लगे। उसमें मेरे से जो बन पाता है वो चुपचाप कर देती हूँ, बल्कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के ये चीज़ें करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रचार जो करना पड़ता है उसका थोड़ा सा वो लगता है। इसके अलावा मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच एंड मिशन न्यू इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हूँ एंड उत्तराखंड प्रभारी भी हूँ। तो वो तो बना ही मंच इसलिए है कि सबका साथ सबका विकास सबको हेल्प करिए। तो कोरोना के टाइम पर भी हम लोगों ने, हमारी अध्यक्षा हैं ज्योति श्रीवास्तव एंड और सभी मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करके एंड काफ़ी कुछ करा है, और वो बहुत इंटीरियर इलाके में गई हैं, देखा है ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ें जो कर सकते हैं उतना कर पाते हैं। तो इस रेस्टोरेंट की नींव रखने के अलावा इतने अच्छे संगठन के अच्छे पदों पे बैठी है मैम, और गुप्त रूप से हेल्प भी कर रही हैं, तो भाई काबिले तारीफ है ये। तो पूनम मैम, उत्तराखंड की नौनी को आपने इस रेगे चिली में बुलाया, इतना शानदार आपने हमें यहाँ लंच कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ थैंक यू सो मच नलिनी, अतिथि देवो भाव, मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की नौनी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।